आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के जो एचकेआरएन के कर्मचारी लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की, ठेकेदारी की गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद आपके आशीर्वाद से 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के अग्निवीरों के लिए भी लिया है, उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का हरियाणा ने निर्णय किया है। एक भी अग्निवीर नफरी नहीं रहेगा, हरियाणा सरकार में उसको सुरक्षित नौकरी देने का हमने संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस विश्वास से हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा कर रहा हूं, उस विश्वास की ताकत आपके रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं। बीजेपी जो कहती है वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है, वो बात कटती नहीं है। और इसी गवाही है माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि इस देश में राम मंदिर और धारा 370 जैसे